सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी, इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्वस्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है, संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है, कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लेड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्व जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहाँ जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिला। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पर्व है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरव गान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी
देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब का आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन के ऐसे मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं, भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक एक ईंटे को प्रणाम करता हूं। और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।